हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अप्पे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। स्टफ्ड अप्पे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप सूजी। ये मैंने मोटी सूजी ली है। अब डालेंगे 1/2 कप दही। इसके बाद डालेंगे 1/2 कप पानी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, जब मिक्स करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों दाना, 1 छोटी चम्मच चना दाल और 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। जब चना दाल अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब हम डालेंगे कड़ी पत्ता और फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को भी थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और हरी मिर्च वो नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज उबले हुए आलू। इन्हें मैंने मैश कर लिया था। स्टफिंग में अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। और कोई सब्जी आप ऐड करना चाहते हैं, गाजर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक। नमक मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैं इसकी बैटर में भी नमक डालूंगी, तो इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा पानी। मैंने 1/3 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और फिर से एक बार मिक्स करेंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। हमारे आलू जो है अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर से एक बार सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब एक प्लेट लेंगे और इस स्टफिंग के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बॉल्स बना लेंगे। अब मैं सारी बॉल्स बना लूंगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब बैटर को फिर से चेक कर लेते हैं। बैटर अभी काफी थिक होगा तो अब हम ऐड करेंगे पानी। यहां मैंने 1/2 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। पानी हमें जो है इकट्ठा नहीं डालना है, नहीं तो बैटर पतला भी हो सकता है। तो आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर लीजिए। बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 छोटी चम्मच नमक और फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 छोटी चम्मच ईनो और फटाफट इसे हम मिक्स कर लेंगे। और जैसे इसे हम मिक्स करेंगे, हम एक अप्पे पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम को हमने लो रखना है और इसके साथ हम डालेंगे थोड़े थोड़े सरसों दाना और सभी अप्पे मोल्ड में हम सरसों दाना डाल देंगे। मैंने यहाँ पे तिल भी लिए हैं। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे कड़ी पत्ता। ये एक एक कड़ी पत्ता मैं हर मोल्ड में डाल दूंगी। इसके बाद हम बैटर लेंगे और मोल्ड के अंदर बैटर को आधा भर लेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें स्टफिंग भी ऐड करनी है। अब स्टफिंग डालेंगे और इस तरीके से दबाते हुए स्टफिंग को हम डाल देंगे और फिर से बैटर को स्टफिंग के ऊपर पोर कर देंगे।
अब अप्पू को कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए ढककर हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब थोड़ा सा हम 1 चम्मच ऑयल और स्प्रिंकल करेंगे और एक नाइफ की सहायता से या एक चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से अप्पू को पलट देंगे। अप्पे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दिखने में, तो दिखने में तो ये अच्छे हैं ही और खाने में भी बहुत अच्छे हैं। सभी अप्पों को इस तरह से पलटने के बाद इसे मैं ढक कर 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लूंगी। 3 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारे अप्पे एकदम तैयार है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।